नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। एनआरसी बिल और सीएए के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर भोजपुर में भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार को भोजपुर को बंद का आह्वान कराया और दुकानदारों से प्रतिष्ठानें बंद करने की आह्वान की। हालांकि इन भारत बंद का असर भोजपुर में मिला जुला देखने को मिला। प्रातःकाल से ही जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से अपील किया कि एनआरसी बिल के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर इसका विरोध करें। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरारा पुल के अलावा रेलवे स्टेशन के समीप घंटों सड़क जाम कर रेलवे मार्ग को भी जाम कर यातायात को बाधित किया और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते दिखे। और देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस काला कानून के विरोध में आज हम लोग पूरा भारत और बिहार में जन अधिकार पार्टी के समर्थन में पूरा बिहार को बंद करने का हम लोग काम किए हैं। सरकार जब तक सीएए कानून वापस नहीं लेती है, पूरे बिहार में पुरजोर तरीके से लगातार आंदोलन चलता रहेगा। जन अधिकार पार्टी का सारे संगठन लेफ्ट का है, हम लोग जन अधिकार पार्टी समर्थन में और पुरजोर तरीके से बिहार को बंद करने का काम किए हैं। क्या मांग कर क्या है? मांग यही है कि सीएए वापस लीजिए, देश को धर्म के नाम पर बांटना बंद करिए, देश को सर्वधर्म संभव को नारों को अपना अपनाइए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह छात्र और युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। बेरोजगार बिल लाना है तो बेरोजगारी पर लाइए, शिक्षा पर लाइए, स्वास्थ्य पर लाइए, ऐसे ऐसे धर्म के नाम पर बिल को लाकर देश को बांटना बंद कीजिए। आगे हम लोग अब लगातार जिले में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर इस बिल के विरोध में बैठने वाले हैं। सरकार जब तक सीएए को वापस नहीं लेती है, हम लोग का भूख हड़ताल लगातार चलता रहेगा। रितेश कुमार, जिला अध्यक्ष, जन अधिकार सांसद। हम लोग ये हिटलर शाही और तानाशाही की जो सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, ये लोग ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, जातिवाद कराना चाहते हैं, ताकि इनकी आंखें प्यासी है खून देखने के लिए। खून देखने के लिए ही है एनआरसी और सीए लागू कर रहे हैं। जब तक सड़कों पर खून नहीं बहेगा, लोग कटेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, आपस में लड़ेंगे नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, तब तक इनको चैन नहीं आएगा, तब तक ये एनआरसी सीए वापस नहीं लेंगे। इन्हीं के खिलाफ हम लोग जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे बिहार में पूरे जोश के साथ हम लोग बुलंद किए हुए हैं और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है हमेशा। तो आज वाम दल का जो बंदी है, तो केवल जन अधिकार पार्टी सामने, हम लोग भी समर्थन में हैं। जहां भी अन्याय की बात होगी, उस हर जगह पर हम लोग समर्थन करने के लिए किसी भी पार्टी को तैयार हैं। तो क्या आगे रणनीति क्या होगा? आगे तो हम लोग रोड पर युवा, छात्र, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोग उतर कर एकजुट करने का, गांवों गांव घूमकर प्रचार करने का और एकजुट करने का हम लोग काम करेंगे, ताकि ऐसी निकम्बी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। रघुपति यादव, जन अधिकार पार्टी, जुआ जिला अध्यक्ष।